हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चरों में आपने पढ़ा था और मुझे जहाँ तक प्रतीक है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने पढ़ाया क्या था। कमेंट्स के द्वारा आप ये चीज़ें मुझे भेज भी सकते हैं और उसमें आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको जानना है या जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें कुछ भी जानना हो तो आप हमें मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। किसी ने उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपके कमेंट्स के आंसर को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो आपका नया टॉपिक होगा वो होगा आपका वैन डायग्राम। वैन डायग्राम होता क्या है? आप पहले भी पढ़ते थे वैन डायग्राम, नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, टेंथ में भी पढ़े होंगे, या आप पढ़े होंगे समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी, उसको भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत उससे रिलेशन है, ज़्यादा नहीं है। सेट थ्योरी से आपका थोड़ा सा रिलेशन इसका रहता है क्योंकि वहीं से ये भी निकल के आता है। तो उसमें आपने पेयर्स पढ़े होंगे, जैसे कि कुछ प्लेयर क्रिकेटर हैं, कुछ प्लेयर हॉकी खेलते हैं, कुछ प्लेयर आपके फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो तीनों खेलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, दिमाग पर जोर दीजिएगा आपको मिलेगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपके वेन डायग्राम में होता क्या है कि आप एक निश्चितता या अनिश्चितता का डायग्राम बनाते हैं और उससे आंसर निकालते हैं कि हमारा सार्वभौमिक सत्य क्या है और सार्वभौमिक असत्य क्या है। या ये भी कह सकते हैं कि आप एक कोर्ट में बैठे हैं और आप जज के निर्णय को सुन रहे हैं, तो उसमें जज के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। आप क्या कह रहे हैं वो नहीं डिपेंड कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा है। वहाँ पे अगर जज ने लिख दिया कि ये ऐसे होना है तो वो वैसे ही होना है, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर वेन डायग्राम में आपने ये सीख लिया कि उसमें दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार ही आप कर रहे हैं तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें आपने अपने दिमाग का यूज कर दिया तो आप 100% गलत करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। उसमें हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो दिए गए क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हैं सबको प्रदर्शित करता है एक जगह इकट्ठा, ठीक। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टॉपिक लिख देता हूँ आपका, वेन डायग्राम। हम आज वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। नहीं रीजनिंग में मिलेंगे तो मैथ में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से रिलेशन है। लॉजिकल और एनालॉगी रीजनिंग दोनों में मिलता है। दोनों का मतलब ये है कि आप आगे साइलोज में पढ़ेंगे, साइलोज में आपको कथन और सत्य मिलता है कि कुछ कथन दिया गया है, उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए, उस पर आप क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी की तरह लगभग सेम है। अब देखिए, इसमें आपके चार टाइप के होते हैं। अगर आप वेन डायग्राम कर रहे हैं तो इसके फोर टाइप्स आपको मिलेंगे, उन्हीं फोर टाइप्स में पूरा का पूरा वेन डायग्राम आपका समाहित है, ठीक। अब इसका जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तो आप सब पढ़े ही होंगे इंग्लिश में, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये तो पढ़े ही होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप्स जो है वो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब सार्वभौमिक सकारात्मक। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आपका वेन डायग्राम में होता है सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि यह सत्य है तो वह सत्य है, वो भले ही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में या आपने जो पढ़ा है वहाँ पे गलत हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिया गया तो वो चीज़ आपकी सत्य ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो देखिए, सार्वभौमिक में क्या होता है, सार्वभौमिक सकारात्मक, जिसमें आप पूरी तरह से सकारात्मक होकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दे दिया जाए एक एग्जांपल, एशिया, इंडिया एंड पंजाब, ठीक है। अब इसके बेस पे तीन चार फिगर दे दिए जाए और कहे जाए कौन सा वेन डायग्राम
इन तीनों को सही प्रदर्शित करता है या सही इंगित करता है। ठीक है, तो उस केस में आपको अपनी थोड़ी सी तर्क शक्ति यूज करनी होगी। कैसे करना क्या होगा, देखिए जैसे अगर हम बात पंजाब की करेंगे, सबसे पहले बना लीजिए आप एक गोला जिसको आपने दे दिया कि ये आपका पंजाब है। अब क्या कहा जा रहा है कि एशिया, इंडिया और पंजाब, पंजाब का कनेक्शन एशिया इंडिया से है। हाँ, पंजाब इंडिया के ही अंदर समाहित होता है, तो ये आपका हो जाता है इंडिया। और हमें ये भी पता है कि इंडिया कहाँ है, इंडिया हमारा है एशिया में। ये होता है आपका वेन डायग्राम। आपको इसी टाइप के फिगर्स मिलेंगे कि आपको दे दिया जाएगा सार्वभौमिक सकारात्मक के कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, और उसके बाद इस टाइप से आपको तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा इनमें से कौन सा फिगर दिए हुए क्वेश्चन को सही प्रदर्शित करता है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा किसका रिलेशन किससे है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आपको दे दिया जाए बुक। ठीक है, क्या दे दिया जाए, जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, उसमें कहा गया है डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर्स। तो क्या ये आपके सार्वभौमिक सत्य होंगे, बताइए। नहीं, ये आपका सेकंड टाइप है, सार्वभौमिक नकारात्मक। इसको मैं आपको बात अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल में बात कराऊंगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव के बाद आपका आता है यूनिवर्सल निगेटिव। सेकंड टाइप है आपका सार्वभौमिक नकारात्मक या नकारात्मकता, जिसमें आपको नकारात्मक चीज़ें साफ साफ प्रदर्शित हो रही हों, वो आपका सार्वभौमिक नकारात्मक कहलाता है, यूनिवर्सल निगेटिव कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक का रिलेशन दूसरे से कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे या उनका रिलेशन नहीं होगा। जैसे इसमें कहा जाए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर का एक सिंबल ले लेंगे तो ये आपका हो गया डॉक्टर। ठीक है, अब इसके बाद इंजीनियर, इंजीनियर और डॉक्टर कभी एक नहीं हो सकते, मतलब इंजीनियर अलग होता है आपका, इसका काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग होता है। लॉयर का अगर आप देखेंगे तो लॉयर का भी अलग होता है। तो ये आपका इसका आंसर होगा, ये होता है सार्वभौमिक नकारात्मक, मतलब एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं। ये भी कह सकते हो कि ये अपने अपने में मस्त हैं, हम तो डॉक्टर हैं। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ये आपका सार्वभौमिक नकारात्मक हुआ, एक दूसरे से किसी का कोई भी रिलेशन नहीं है। यहीं पे अगर आपको रिलेशन मिल दे दिया जाए, रिलेशन का मतलब है एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि एनिमल डॉग एंड बफेलो। तो अब इसका कैसे बनेगा, कोई बता सकता है। अब इसमें देखिए बफेलो और डॉग दोनों अलग अलग वैरायटी हैं, डॉग कुत्ता होता है, बफेलो भैंस। अगर आप दोनों बनाएंगे तो आपका डॉग यहाँ पे आएगा, बफेलो आपका ये अलग आएगा। क्यों, क्योंकि बफेलो की प्रजाति और डॉग की प्रजाति अलग होती है, साइज अलग होता है, होते जरूर होते क्या हैं दोनों, दोनों आप का एनिमल के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका ना ही सार्वभौमिक सकारात्मक है ना ही सार्वभौमिक नकारात्मक है। ठीक, ये आपका हो जाएगा विशिष्ट, मतलब ये आपके पर्टिकुलर के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका होता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है आपका विशिष्ट या पर्टिकुलर, लेकिन अभी हम दो की ही बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर कह दिया जाए कि यही डॉक्टर इंजीनियर लॉयर की जगह से आपको एक दे दिया जाए वुड लकड़ी, ठीक है, दूसरा दे दिया जाए प्लास्टिक, लिख दे रहा हूँ वुड प्लास्टिक, ठीक है, तीसरा दे दिया जाए आयरन, तो इनमें क्या कोई संबंध है। देखिए
संबंध होगा। अगर आपने वुड को डिफाइन कर दिया तो ये आपका वुड आ गया। अब जब आप प्लास्टिक को डिफाइन करेंगे, लकड़ी का प्लास्टिक से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये आपका प्लास्टिक पूरा का पूरा अलग बन जाएगा। देन आयरन, लोहा, ना इससे संबंध है ना इससे संबंध है, उसकी हर चीज़ अलग होती है, तो ये आपका आयरन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सार्वभौमिक नकारात्मक कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा, वो हमेशा ही आपको अलग प्रदर्शित होते दिखेंगे। सार्वभौमिक सकारात्मक की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी होगी दूसरे पे। जैसे अगर आपको दे दिया जाए ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा एंड मेलबर्न, तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, कैनबरा और मेलबर्न उसका क्या है, उसके एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो, उसके स्टेट हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि आपका वुड है, ठीक, वुड के बाद उसी में फ्लाई, प्लाई ले लिया जाए, और प्लाई के बाद ले लिया जाए ट्री, तो क्या होता है, प्लाई वुड से बनती है, ठीक, और वुड लकड़ी आपके ट्री से बनता है, तो वो आपका सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम में मिलेंगे, और आपको उसके फिगर्स बनाने होंगे। वो आप जब फिगर्स बनाएंगे तो वही आपके आंसर होंगे। और यही चीज़ मैथ में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिगर गिवन होगा और उसमें से आपको नंबर काउंट करने होंगे। बता दे रहा हूँ कैसे, थोड़ा सा जैसे वो दे दिए इस टाइप से, तीन दे दिए, बोल दिए ये क्रिकेटर हैं, ये फुटबॉलर हैं और ये वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है। इनकी संख्या 5 है, इनकी 8 है, ये 15 है, ये यहाँ पे 18 है, ये यहाँ पे 22 है, ये यहाँ पे 15 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे। ये मैथमेटिक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह दिया जाएगा कि क्रिकेटर और फुटबॉलर दोनों कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेटर फुटबॉलर और बॉल बैडमिंटन तीनों कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेटर और बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, तो उसमें इस तरह से आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैथ सर कह रहे हैं मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यही अंतर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैथ में ही मिलेगा, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, दो टाइप है। तीसरा टाइप आपका होता है पार्टिकुलर, और चौथा होता है मिश्रित नकार मिसलिनियस, मतलब जितने भी बच जाएं। अब देखो विशिष्ट में क्या होता है आपका, अगर हम बात करें आपके थर्ड टाइप की पार्टिकुलर, मतलब विशिष्ट, विशिष्ट की बात करेंगे तो इसका भी क्वेश्चन कुछ विशेष होता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि कुछ टेनिस के फैन हैं, ठीक है, कुछ इंडियन फैंस हैं, और क्या कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर प्लेयर के हैं, ये आपको ट्रेंडिंग दे दिया जाए, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि टेनिस फैन, इंडियंस एंड क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, तो इसका कहा जाए कि इसका आप वेन डायग्राम शो करिए कि इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसा। इसका वेन डायग्राम सब सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप एक को उठा लीजिए, आपने उठा लिया टेनिस फैन, ठीक है, ये आपके टेनिस फैन हो। अब क्या कहा जा रहा है, कुछ इंडियन हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं। क्रिकेट प्लेयर क्या होते हैं, क्रिकेट प्लेयर जरूर हैं लेकिन हो सकता है वो टेनिस के भी फैन हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें से इस तरह से आ जाएगा कि ये क्रिकेट प्लेयर हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो टेनिस के फैन है और जो क्रिकेट प्लेयर है वो इंडियंस ना हो। किसने कहा, कहीं दिखा नहीं दिखा, सिर्फ लिख दिया गया इंडियन, मतलब इसमें कुछ आपके इंडियन होंगे। तो ये आपका विशिष्ट टाइप का होता है जिसमें कुछ विशेष चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा तीन चीज़ें, वो सबसे रिलेटेड होगा। जैसे इसी में आपको दे दिया गया कि कुछ टेनिस के फैन हैं, कुछ क्रिकेटर प्लेयर हैं, कुछ और उसके अलावा इंडियंस हैं, तो इंडियंस क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है इसका कि टेनिस फैन अलग हो सकते हैं, क्रिकेटर प्लेयर अलग हो सकते हैं, दोनों इंडियन हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये कहीं दिया नहीं गया है। ये भी आपके होने का चांसेस है, और ये भी कह दे रहा हूँ 100% कि ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। और मार के भी आते हैं बहुत से लोग, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा ज़रूर इस टाइप से। और आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा ये देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में दिया गया है कि टेनिस फैन, इंडियन और क्रिकेट प्लेयर अवेलेबल हैं, मतलब यहाँ पे इंडिया एक कंट्री दे दी गई है, क्रिकेट प्लेयर कुछ लोगों की बात कही गई है, टेनिस फैन कुछ लोगों की बात कही गई है, मतलब यहाँ दोनों पे
प्लेयर्स की बात की जा रही है या लोगों की बात की जा रही है, तो वो क्या हो सकते हैं? वो तो इंडियन हो ही सकते हैं, कहीं लिखा तो नहीं है कि इंडियन होंगे, नहीं, वो इंडियन हो सकते हैं, तो आपने ले लिया वो इंडियन है, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं पता है कि टेनिस फैन कौन से हैं और क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं, हो सकता है जो प्लेयर हैं वही टेनिस फैन हो सकता है, ये होता है। इसीलिए इसमें एक कॉलम दे दिया जाता है इस तरह से कि जो भी हैं, कुछ तो अपने में होंगे, कुछ दोनों होंगे, कुछ तीनों होंगे, ये आपका विशिष्ट टाइप होता है, विशेष प्रकार का होता है, पर्टिकुलर वेन डायग्राम, जिसमें आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। ये एक पे नहीं, ये सभी पे चलता है कि आपने नकारात्मक बना दिया तो एक दूसरे को संबंध नहीं, सकारात्मक बना दिया कि संबंध रहेगा ही रहेगा। विशिष्ट में किसी का किसी से संबंध नहीं रहता है, इसमें हमें क्वेश्चन में ही संबंध ढूंढना पड़ता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक। तो ये आपके तीन टाइप होते हैं। चौथा आपका मिसलिनियस आता है, मतलब अतिरिक्त या मिश्रित आता है, उसमें आपके सभी आ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए आते हैं वो सब आपके मिसलिनियस में आ जाते हैं, मिश्रित में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको हाँ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपका एक कि एक जगह पे क्या है अवेलेबल, कुछ मेल्स हैं, ठीक है, वो और उसमें क्या है, कुछ फादर हैं और चिल्ड्रन हैं, तो इसमें आप बताइए कि कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। इसका आप वेन डायग्राम बनाइए, कैसा बनेगा बताइए। क्या कह रहा है, कुछ मेल हैं, मतलब मेल जो हैं कुछ क्या, वो पूरे के पूरे मेल हैं, आपने मेल ले लिया। अब फादर और चिल्ड्रन की बात हो रही है, जब फादर की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, फादर में मेल तो रहेगा ही रहेगा, फादर का मतलब ही मेल होता है, तो फादर कहाँ आ जाएगा, फादर आपका मेल के अंदर आ जाएगा, क्यों, फादर पिता, पिता का मतलब आप मेल की बात कर रहे हैं ना कि फीमेल की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन, बच्चों की बात कर दी गई है, यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि बॉय चिल्ड्रन या गर्ल्स चिल्ड्रन, इन्होंने लिख दिया कि चिल्ड्रन है, तो कुछ चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो आपका चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये किस टाइप का हो गया, ये आपका मिसलिनियस हो गया कि मेल हैं और फादर हैं, मेल का मतलब मेल तो सभी मेल होंगे, फादर आ गए तो सारे मेल ही तो फादर हो सकते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि फादर सारे फादर मेल हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फादर हैं वो मेल हैं, लेकिन मेल और भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आपका चिल्ड्रन आया, चिल्ड्रन आपको पता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यूज होता है, तो हमने इनको क्या किया, कंबाइन कर दिया कि कुछ चिल्ड्रन बॉयज़ हैं और कुछ चिल्ड्रन गर्ल्स हैं, दोनों नहीं, दोनों मत करना, कुछ लोग दिमाग में आता होगा कि कुछ तो दोनों कॉमन हो सकते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं आएगी, इसमें मेल और फीमेल की बात हो रही तो आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया, कुछ चिल्ड्रन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं, इसके मैं क्वेश्चंस अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा।